नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले दोबारा से आपका स्वागत है आपके अपने लर्निंग चैनल ट्रेडिंग लर्नर में। तो जी, ये थर्ड वीडियो है हमारी सीरीज का, OFA सीरीज का। हमने जो पहले दो सीजन किए, सीजन बोल रहे हो, दो सेशन किए हैं, उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक के बारे में बात किया पूरा, कि जी बेसिक क्या होता है। और इनमें बहुत सारी चीजें ना आपस में जुड़ी रहेंगी, कि जो बेसिक है वो मार्केट प्रोफाइल में भी मैंने बहुत कुछ बताया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। ये दोनों तो भाई बहन की तरह काम करते हैं आपस में, OFA प्लस MP। मैं इनको कभी अलग से देखता ही नहीं हूँ, तो उसको देख लेना। थोड़ा बहुत बेसिक का उसमें बताया, और जो प्योर ऑर्डर फ्लो बेसिक है वो मैंने पहले और दूसरे सेशंस में कंप्लीट किया है। अभी इस सेशन में हम क्या करेंगे, ये पूरा मैं डेडिकेटेड करूंगा कि हम लोग अपने चार्ट में किस तरीके से सेशन करें। और एक इसमें गुप्त ज्ञान दूंगा। गुप्त ज्ञान ये रहता है, सीक्रेट ये रहता है, कि अगर आपने अभी तक ये खरीदा नहीं है, इफ यू हैव नॉट बॉट, ठीक है, तो आप इस सेशन का, जो मैं OFA बना रहा हूँ, इस सेशन का आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, विदाउट पेइंग अ पेनी टू गो चार्टिंग। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट एवर आई एम सेइंग, इफ यू फॉलो दैट, देन यू कैन गो अहेड एंड बाय। कैसे बाय करना है वो भी बता ही दूंगा इसी सेशन में, छोटा सा रहेगा उसके अंदर। तो चलिए शुरू इस तरीके से करते हैं कि मैं एक नए यूजर के साथ लॉगिन करता हूँ, सो दैट कि आपको ये पता लग जाए कि अगर आप एक नए हो तो आपको किस तरीके से, ये तो मेरे सब चार्ट सेटअप्स हैं। और एक और चीज बता दूं इससे पहले, जाने से पहले भूमिका बांध रहा हूँ, तीन में चार्ट सेटिंग हो गई, नंबर 4, 5, 6, 7। इन सब के अंदर जो ये इनके अगले पार्ट्स होंगे, इन पार्ट के अंदर हम सब ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, कि किस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग्स हम इसमें करते हैं, और कहाँ पे हमें ये हेल्प कर सकता है। कब ये हमें इंट्राडे में हेल्प करता है, कब ये हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, किस तरीके से हम इसको देख के अपने स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, वो सब चीजें हम इसके अंदर बात करेंगे। तो जो कुछ हमारा बेसिक में रह गया, लाइक एक टर्म थी अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बात करना चाहता था, तो वो मैं इस वाले उसमें बात करूंगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। अगर एक एक करके मत देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके देखिएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। और अगर इसमें टाइम रहा ना तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैंडल थी, अभी अभी मैंने चैनल पे डाला है कि ये कैंडल रेड कैंडल है, डेल्टा इसका ग्रीन है, इतने बड़े ग्रीन डेल्टा के बावजूद मैंने इसको शॉर्ट किया। क्यों किया मैंने आपसे पूछा है, अगर आपको पता लगा तो आप मुझे बताइएगा, अगर समझ में आता है तो भी कमेंट में डाल दीजिएगा कि आपको समझा या नहीं समझा, ठीक है जी। तो चार्ट सेटिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे एक नए यूजर के अंदर। मान लीजिए ये एक नया यूजर है, जहां पे कि आपने कभी ये लॉग इन नहीं किया और आप इस पे पहली बार जाना चाहते हैं, तो मैं वो आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग व्यू नहीं, गो चार्टिंग में। देखिए, मेरे से ज्ञान की उम्मीद कीजिए, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू हैव प्रोफेशनल वीडियोस, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं नहीं। मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ ज्ञान है। तो मैं ज्ञान आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आप बोलोगे कि सर आपके वीडियो में क्वालिटी नहीं है, आपके वीडियो में पला नहीं है, आपको आप 1, 2, 3 करके नहीं बोलते, तो वो सब मेरे को नहीं आता, ना मुझे सीखना है। ज्ञान आता है, ज्ञान आप लीजिए, ठीक है जी। तो ये ओपन करते हैं। जैसे देखो जी, अब आप ये ओपन करोगे ना, तो आपके सामने गो चैटिंग का इस तरीके का एक सेटअप आता है, आपको इसमें लॉग इन करना है। ये पूछेगा कैसे लॉग इन करना है, तो इसको बोलिए गूगल से लॉग इन करना है, जो कि मेरा फेवरेट तरीका है, क्योंकि आपको बार बार यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना। जब आप यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे तो आप प्रोडक्ट पे जाइए और क्लिक कीजिए चार्ट के ऊपर, तो ये आपको एक नए इसके अंदर लेके आ जाएगा, और ये हमारा गो चार्टिंग का पहला चार्ट खुल रहा है, ठीक है। मैं आपको वो बाद में बताना चाहता था कि इसका अगर आप खरीदना चाहते तो पहले ये बता देता हूँ कि ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में ही शुरू करेंगे, हम इंडिया के हैं। तो इनका जो बाय नाउ है, इंडिया लाइट नहीं, हमें लेना पड़ता है इंडिया NSE प्रीमियम, मैं ये लेता हूँ, क्योंकि NSE के अंदर हम जितने भी वो यूज करते हैं अपने, मतलब जो हमारे चार्ट से जो NSE के हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। और आप अगर मंथली लेंगे तो 4,1499 पर मंथ पड़ता है ये, प्लस टैक्सेस होंगे जहाँ तक मुझे याद है इसका। तो यहाँ पे आप ये इसको दे सकते हो, या फिर आप एनुअली ले सकते हो।
एनुअली लेंगे तो कुछ ऑफ मिल जाएगा, अभी 16% ऑफ है। मैं यूजुअली वेट करता हूँ किसी ना किसी ओकेजन का। गो चैटिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे पास कोई कोड है ये डालने के लिए, बट दिवाली के आसपास ही लोग 50% तक का डिस्काउंट देते हैं, तो मैं तो एक ही बारी में साल भर का खरीद लेता हूँ। तो आप ये एक बार खरीद लेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको अगर मान लीजिए आप बैंक निफ्टी खोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी दिखेगा। मतलब कि आप यहाँ पे चार्ट यूज कर सकते हैं इनका, ये कैंडल स्टिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं या इसको 5 मिनट में यूज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें आप देख पाएंगे। लेकिन आप डेल्टा बार नहीं देख पाएंगे, अगर आप स्टडी में जाते हैं तो यहाँ पे डेल्टा बार होता है, आप डेल्टा बार नहीं देख सकते, ठीक है जी। तो ये क्या बोल रहा है, ये वही कह रहा है कि ऑर्डर फ्लो इज अवेलेबल व्हेन यू परचेज। अब जब परचेज नहीं किया तो क्या दिखेगा। अभी जो मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, सीक्रेट बताऊंगा जो ज्ञान गुप्त है, ये देखिए ये क्या है ना, ये एक इन लोगों ने वो रखा हुआ है, एक ये मेरे ख्याल से BTC USD एक वो है, जिसके अंदर आप जाके ना इसको एटलीस्ट टेस्ट कर सकते हो। कैसे टेस्ट करोगे, आप इसके ऊपर जाइए और क्लिक कीजिए। तो ये क्या है, इस वक्त में ये आप इस पर्टिकुलर सिंबल का ऑर्डर फ्लो आप पूरा देख सकते हैं, ओके जी। खैर ये इंडिया का तो नहीं है भाई, ये बाहर का है, लेकिन आप इसमें पूरा देख सकते हैं कि क्या क्या आप यूज करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में गए तो सेम चीज हम लोग बात कर रहे थे, अभी ये सब चीज की मैं बात नहीं कर, ये चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले ऑर्डर फ्लो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मैंने यहाँ पे इनेबल रखा है, इसका मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे बड़ा करूंगा, ऊपर करूंगा तो भी ये फिल हो जाएगा, ऐसे नीचे करूंगा तो भी ये फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको एक ऑटो नहीं करके एक पर्टिकुलर उसमें रख देते हो, देखिए अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि आपको ये पढ़ने के लिए यहाँ से बड़ा करो इतना आपको करना पड़ेगा, इससे अगर आपने ऊपर नीचे कुछ भी चेंज किया तो आपको नहीं दिखेगा, ऊपर करोगे तो फिर भी दिखेगा, बट इससे छोटा किया तो आप ये पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। तो इस सबसे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा इसको ऑटो में रखता हूँ, सो दैट एट ईच एंड एवरी प्राइस यू कैन सी वट एवर। अभी मेरे को कई बार क्या है छोटा करके देखना है, मुझे छोटे में भी यहाँ पे प्राइस दिख जाएगा, या बड़ा करके देखना है तो इसमें भी प्राइस दिख जाएगा, ओके जी। सो दिस इज कंप्लीटेड। फॉर्मेटेड वॉल्यूम का क्या होता है, ये स्पेशली किस लिए यूज होता है ना, कि जब जैसे जो भी वॉल्यूम यहाँ पे दिखाता है, अगर मान लीजिए मैं इसको आपको पढ़ना नहीं है, मतलब कि अभी यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सबसे ऊपर देखिए 5.3 यहाँ पे सेलर्स थे, 7.1 के यहाँ पे बायस थे। तो आप क्या करते हो, सबके सब नंबर आप बोलते हो कि यार ये सब इतना सब नहीं पढ़ना, मेरे को थोड़ा क्लियरिटी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि सबके सब नंबर जितने भी यहाँ दिख रहे हैं सबको आप भाग कर दो 10 से, लॉट साइज आप समझ लो या कुछ भी समझ लो, या एक किसी भी नंबर से सबको डिवाइड कर दो, मान लीजिए मैं 100 से करता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 53, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 71, लेकिन ये है क्या, इंटू 100। तो अगर मैं ये हटा दूंगा, एक रख लीजिए हटा दी, तो इंटू 100 हो गया। तो ये सिर्फ यहाँ पे दिखने का तरीका है, इसमें और कुछ नहीं होता है। पावर ट्रेड स्कैनर, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए, अभी ये यूज में नहीं आएगा। यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट क्या होता है, ये आपका चार्ट है जो आपको पीछे दिख रहा है, यहाँ पे आप आपको पीछे चाहे तो कोई स्किन डाल सकते हैं, कोई वाटर मार्क डाल सकते हो, ये जो मेरा आप माउस देख रहे हैं यहाँ पे, इधर ब्लैक लाइन आ रही है ना, ये ब्लैक लाइन ऊपर ब्लैक लाइन नीचे, इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं, ये यहाँ से आती है, अगर आप इसको कोई और कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसी तरीके से मैंने डे ब्रेक इनेबल किया हुआ है और प्राइस लाइन भी इनेबल की हुई है, प्राइस लाइन का मतलब कि जहां पे भी ये जाएगा मुझे राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये प्राइस पे दिख जाएगा, ये 46,388 है, तो अगर मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मेरे को वहीं से दिख जाएगा, तो उसके लिए ये यूज होता है। एक्सेस वगैरह में आप सब मत जाइए, पैडिंग वगैरह होती है इसके बीच की, आप वो सब जान के क्या करेंगे, इतना सब आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब छोड़ दीजिए, आपके काम की चीज नहीं है, आपको चाहिए तो मैं एक बड़ा वीडियो बना दूंगा, बेकार में टाइम जाएगा उसमें। ये बहुत अच्छा है, ये ऑप्शंस के बारे में, ये ऑप्शन डेस्क के बारे में, तो ऑप्शन डेस्क का मैं स्पेशली एक या दो वीडियो अलग से बनाऊंगा, तब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ऑप्शन डेस्क में ये सब चीजें आपको हेल्प करती है, चीजें फाइंड आउट करने में। ट्रेडिंग में जाएंगे तो दिस कैन बी इंटीग्रेटेड, यू नो द ऑर्डर फ्लो और द गो चार्टिंग कैन बी इंटीग्रेटेड विद योर
broker, so that you can directly trade from this chart. You don't have to go to your the Zerodha or whatever other company you have, वो यहाँ से कर सकते हो, उसकी ब्रोकर्स में जाके होती है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, गो चार्टिंग किया हुआ है। अगर मान लीजिए मेरे पास फायर्स है तो मैं यहाँ पे फायर्स कर दूंगा, जीरोधा है तो जीरोधा कर दूंगा, जीरोधा के सब कुछ आप यहाँ पे डाल दीजिए और आप कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक सेटिंग। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो की बात कर रहे हैं। तो जी ऑर्डर फ्लो में अगर आप जाएंगे ना, ऑर्डर फ्लो में मेनली दो तरीके के चार्ट होते हैं। पहला चार्ट होता है जी आपका, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करोगे, पहला जो चार्ट होता है वो होता है इम्बेलेंस, दूसरा चार्ट होता है क्लस्टर। थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में बता देता हूँ। मैं क्लस्टर चार्ट यूज नहीं करता हूँ, लेकिन क्लस्टर चार्ट भी क्या होता है कि कुछ लोग यूज करते हैं, मुझे इम्बेलेंस में बहुत कंफर्टेबल फील होता है तो मैं इम्बेलेंस यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अगर इसकी सेटिंग में आओगे तो बहुत जल्दी से बताऊंगा, वहां पे थोड़ा आराम से बताऊंगा ऑर्डर फ्लो, क्योंकि वो मैं भी यूज करता हूँ। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक ऑब्वियसली शो, जब शो ही नहीं करोगे तो क्या दिखेगा, तो यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब आप यहाँ बीच में कैंडल देख रहे हो, उसके राइट साइड में बायर्स है, लेफ्ट साइड में सेलर्स है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कैंडल के लेफ्ट तरफ दोनों चीजें हो गई, वो आप छोड़ सकते हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो, सब दिखने का है। आपकी कैंडल कैसी दिखेगी, वो हाफ ब्लैक होनी चाहिए नहीं चाहिए, कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, जब वो रेड हो तो क्या हो, एज ब्ला 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 ब्ला, यहाँ तक मैं कुछ नहीं करता। शो इम्बेलेंस, ये भी इम्बेलेंस शो करता है अगर आप चाहो कि इन दोनों में, जैसे यहाँ पे है इम्बेलेंस, क्या होता है स्टैक इम्बेलेंस होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पार्ट टू या पार्ट वन के अंदर, पार्ट टू में बताया था स्टैक इम्बेलेंस क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये क्लिक कर दोगे तो ये वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है जी, अभी आप यहाँ पे बता सकते हो कि भाई मिनिमम तो इतना होना चाहिए, आप जो इम्बेलेंस को देखते हो तो कितना इम्बेलेंस। मैं यहाँ पे 500 रखता हूँ यूजली, बट मैं इस चार्ट की बात ही नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि मेरे ख्याल से जो जो इसमें है वो सब मेरे उसमें भी ऑलरेडी कवर होता है। तो हम लोग डायरेक्ट ही जाते हैं ऑर्डर फ्लो के अंदर। ठीक है जी, तो ये वाला चार्ट आता है इम्बैलेंस। आप, मैंने तो शॉर्टकट से किया, आप यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करके जाइए इम्बैलेंस। ओके जी, इम्बैलेंस में क्या होता है, इम्बैलेंस में आप अगर आपकी इस प्रॉपर्टी में आओ तो सबसे पहली बात चीज, सेम चीज ये होनी चाहिए, आप कैंडल की विड्थ क्या चाहते हो, आप बड़ी कैंडल देखना चाहते हो, छोटी कैंडल देखना चाहते हो, कैंडल का कलर क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सेटिंग शुरू होती है कि जो मैं इम्बेलेंस होता है ना, आप इम्बेलेंस को या तो फिक्स रख सकते हो या फिर रेशियो में रख सकते हो। मैं हमेशा रेशियो में रखता हूँ, क्योंकि रेशियो में मेरे को समझ में आता है कि बाइंग वर्सेस सेलिंग क्या हो रही है। तो मिनिमम इम्बेलेंस अगर जो सेटिंग होती है वो 200% होती है, मैं यहाँ पे 500% रखता हूँ, सो दैट कि एकदम मुझे क्लैरिफाई होके मिले। अगर 500% मैंने यहाँ पे रखा और उसके बाद कुछ इम्बैलेंस दिख रहा है, तो इसका मतलब श्योर श्योर वहां पे कुछ ना कुछ तो है। दूसरी चीज, जब इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो वहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो कहीं अगर कुछ दिख जाए, अच्छा अभी यहाँ पे है नहीं। अदरवाइज ये क्या होता है कि अगर आप इसको बड़ा करोगे ना, तो अगर मान लीजिए तीन इम्बैलेंसेस एक साथ आ गए, कहीं पे आया नहीं है क्या, नहीं आया अभी तक। अगर तीन, मतलब अगर मैंने ये रखा है यहाँ पे ऑप्शन में रखा है तीन, खैर बाद में आप देख लीजिएगा, लाइव में आपको कभी भी दिखा दूंगा। अगर तीन इम्बैलेंसेस एक साथ आ गए, अगर वो बाय साइड के आ गए, तो इसका मतलब वो एक सपोर्ट जोन होगा, उसको ये सिस्टम ग्रीन करके बता देगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है, इस तरीके से ग्रीन करके दिखा देता है वो यहाँ पे पूरा। ठीक है, इसी तरीके से वो सपोर्ट को भी करता है और रेजिस्टेंस को भी कर देता है। तो ये क्या होगा जब, लेकिन आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप इसको, अच्छा ये भी, ये सपोर्ट था, देखिए ये सपोर्ट था लेकिन ये टूट गया, टूट गया तो इसलिए बंद हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये इतने सारे एक साथ इम्बेलेंसेज आए थे, इस वजह से यहाँ पे इसने दिखा दिया था। ठीक है, तो आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। मैं इसको यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आता है ऐसे ही, ये मेरे को इम्बेलेंसेस यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही पता लगता है। ओके जी, लेकिन यहाँ पे इम्बेलेंसेस ऑन करके रखना, चाहे सपोर्ट आप इसको इनेबल करो ना करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नाउ वेरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं इसके ऊपर यूज करता हूँ, वो होता है वॉल्यूम का पीओसी। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे कलर चेंज किया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम पीओसी है ना, ये होता क्या है, ये वॉल्यूम पीओसी हमें ये बताता है कि उस जगह का, जैसे अभी ये वाले जो इसने जोन बनाई है 46320 या 320,
ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों ही एक साथ। अब आपको ये समझ में आ रहा है ना कि सेलर्स अलग हैं, बायर्स अलग है। ये जो बायर्स है, ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, और इससे इसका कोई लेना देना नहीं है ना जी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस जगह में, इस कैंडल के अंदर, इस जगह सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, इसलिए मैं इसको कैंडल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बोलता हूँ। फ्रॉम द किसके, उससे जानिब से, जानिब बोल रहा हूँ, जानिब उर्दू का वर्ड है। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर फ्लो, दिस वाज अ वॉल्यूम पीयूसी। ओके, तो इसको मैं ऑन करके रखता हूँ, कैसे यूज करूंगा वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि इन गो चार्टिंग में बहुत पुराना नहीं है, नया ये लोग लेके आए हैं। ये है एक्सटेंडेड वॉल्यूम पीयूसी। अब ये एक्सटेंडेड वॉल्यूम पीयूसी क्या होता है ना, ये चीज आप समझिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है। अभी एक्सटेंडेड वॉल्यूम क्या होता है, तो अगर कभी भी किसी कैंडल के ऊपर, कैंडल में हर बार, मान लीजिए ये कैंडल, अभी इस कैंडल में कोई एक तो जगह होगी जहां पे पीओसी बना होगा, जहां पे बड़ा वाला वो बना होगा, ठीक है। तो वो एक जगह होती है, तो वो तो हर कैंडल में जो वॉल्यूम पीओसी है, जो हमने ये वाली बात की है, तो हर कैंडल में कहीं ना कहीं पीओसी निकलेगा, वो तो आएगा। वो कहाँ यूज करते हैं बताएंगे, है ना, थोड़ा वेट, थोड़ा वेट, थोड़ा वेट। तो हर कैंडल में तो ये होगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना कि अगर कोई कैंडल इस तरीके की बनी है जिसका जो वॉल्यूम है वो 30,000 के ऊपर आया, तो इसका मतलब उस कैंडल पे ना वाकई कुछ ना कुछ तो हो रहा था, कुछ ना कुछ तो वहां पे वाकई में हो रहा था। तो मुझे उस कैंडल की उस जगह पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसलिए इसको भी हमेशा इनेबल करके रखता हूँ। तो इसको आप, मैं 35 यूज करता हूँ, आप चाहे तो 40K तक आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि अभी क्या है ना, लॉट चेंज हुआ है बैंक निफ्टी का, थोड़ा बढ़ गया ये, पहले इतना ही काफी हुआ करता था। 40-45 अभी नए के हिसाब से मैंने नहीं लगाया, बट आप 40K यहाँ पे लगा सकते हो। तो आप इसको इनेबल कर लीजिए, और यहाँ पे शो पीओसी टाइम जरूर क्लिक कीजिएगा, वरना ये जो यहाँ पे आएगा ना, आपको पता नहीं, मतलब अगर आप इसको करेंगे ना, छोटी सी वो सेटिंग, टाइम आपको पता लग जाता है कि अच्छा इतने बजे पीओसी बना। ओके जी, नीचे आइए। ये सब मैं यूज नहीं करता, इन सब से क्या होता है ना, ये अब कैंडल के ऊपर हर कैंडल का में वीवैप मार्कर कहाँ पे था वो बता देगा, ये अपने को नहीं चाहिए। वॉल्यूम मार्कर का, वॉल्यूम मार्कर में क्या होता है कि ये ऊपर यहाँ बता देता है। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ नीचे भी रख सकता हूँ, बट कैंडल के ऊपर ही मेरे को दिख जाता है, तो मैं इसको इनेबल करके रखता हूँ। हाई लो मार्कर को इनेबल करके रखता हूँ। हाई लो मार्कर क्या होता है कि ये आपको कैंडल कितनी बड़ी है, ये दिस कैंडल कितने पॉइंट की कैंडल है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे देखना हाई लो 139, ये कैंडल का साइज जो है वो 139, ठीक है जी। तो इसके लिए ये कैंडल यूज होती है, इसके लिए ये वाली सेटिंग यूज होती है। इसके बाद कैंडल बॉडी मार्कर लाके हैं। इतना बॉडी का मतलब होता है कि द हाई लो माइनस विक, ठीक है। बॉडी हो गई आपकी 129, मतलब बॉडी बॉडी 129 है आपकी, और हाई लो आपका 139, तो आप बॉडी इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है। आप अनफिनिश्ड ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं इसको यहाँ पे नहीं रखता, ठीक है। अनफिनिश्ड ऑप्शन एक बहुत अच्छी चीज है, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन हो सकेगा तो इसको बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप ये हटा दीजिए, और ये अगर मैंने हटा दिया तो यहाँ पे आके आपने जो भी जिस प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पे आके कर दीजिए सेव लेआउट। तो ये तो जी हो गई एक चीज, ठीक है, जो ऑर्डर फ्लो में चार्ट लगाते हैं। अभी इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, जैसे कि, अच्छा मैं अपना सेटअप बता रहा हूँ, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। चलिए दूसरी मैं चीज जो डालता हूँ वो, हाँ इसके बारे में, ऑर्डर, ये वाला जो इनका टूल है ऑर्डर फ्लो ट्रेडर, ये मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें और मैं सबकी सब चीज आपको बताना चाहता हूँ। ओके, फिलहाल मैं इसके बारे में बात नहीं करता। जो मेरा सेटअप है, मेरे सेटअप में मैं दूसरी चीज क्या यूज करता हूँ, पिवट पॉइंट यूज करता हूँ। तो आप स्टडी में जाके पिवट पॉइंट लिख देंगे, आ गया, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसकी सेटिंग में जाना है, और मैं जो यूज करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यूज करता हूँ ट्रेडिशनल ऑटो शो हिस्ट्री प्लेबैक एक नेक्स्ट सेशन इनेबल, दैट्स इट, बंद। इसके बाद मैं वीकली वीवैप यूज करता हूँ, सेम तरीके से आप स्टडी में आके वीकली वीवैप कर दीजिए, सॉरी वीवैप आएगा यहाँ पे। तो मैं वीवैप कभी भी ना जी डेली के लिए यूज नहीं करता,
मेरा सिर्फ एक ही उसमें मैं काम चलता है मेरा, वो है आपका वीकली। तो इसमें की सेटिंग्स भी बहुत इजी है, मैं सोर्स HLC 3 रखता हूँ। पीरियड जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वीकली रखिए। एंकर की कोई जरूरत नहीं आपको, क्योंकि वीकली इज अगेन एंकर ओनली, ठीक है? तो आपने ऑलरेडी उसको मान रखा है तो वहां पे रखिए। यहाँ पे 1 2 3 लिख देंगे तो ये तीनों को दिखाएगा, और डेविएशन इनेबल कर रखा है मैंने, अप्लाई किया। तो अभी अगर इसको मैं थोड़ा छोटा करूं तो ये आपको दिखाएगा, देखिए ये वीमैप मेन है, ये डेविएशन 1, डेविएशन 2, डेविएशन 3। इन डेविएशन के ऊपर हम किस तरीके से काम करते हैं आपको मैंने ऑलरेडी एक में बताया हुआ है, एक वीडियो में बताया हुआ है, फिर से दोबारा बताऊंगा, ठीक है जी? तो यहाँ तक मेनली आपके पास ये सारे के सारे जो जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ वो आपको सारे के सारे मैंने वो दे दिए हैं यहाँ पे। इसको हटा दीजिए वीमैप को, ठीक है? अभी बंद किया हुआ है। अभी आपको इसमें बताऊं या अगले उसमें बताऊं, चलिए बता देता हूँ। बहुत छोटा सा है, ट्रेडिंग टेक्निक है। अच्छा, ये मान लीजिए कि ये आपका बोनस है इस सेशन का, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उस चीज को। एक्चुअली मैं बहुत एक्सप्लेन करना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था। आते हैं जी इस वाली कैंडल पे, ठीक है? अभी ये वाली कैंडल में अगर आप मेरे यूट्यूब में नहीं छोड़े, तो मेरा एक चैनल है, आप ज्वाइन हो जाइएगा, यहाँ पे उसका लिंक आएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए मैंने क्या किया था, आज का ट्रेड आपको बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो ऑर्डर फ्लो पे किया था, ठीक है जी? जैसे ही ये वाली कैंडल यहाँ पे आई, ठीक है, ये वाली कैंडल मैंने एक शॉर्ट मारा था, ये मैंने एक शॉर्ट मारा था। और शॉर्ट क्यों मारा था, उसकी वजह ये थी कि मुझे, आप ये कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल के बारे में मैंने हमेशा बात की है कि ये जो कैंडल होती है ना, जिसका POC ऊपर होता है, रेड कलर की कैंडल होती है, बट अगर ये किसी रेफरेंस पॉइंट पे हो तो इसका जो, इसमें जो चीजें होती है बहुत ज्यादा समझने वाली होती है, ठीक है? अभी मैंने शॉर्ट क्यों मारा, इसके 2 3 रीजन है, उसमें से एक रीजन इसके बाहर का है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सबने सुना होगा मेरा जो अपना इंडिकेटर है ब्रह्मास्त्र। देखिए जी एक बात आप समझिएगा कि ऑर्डर फ्लो एनालिसिस जो है ना, वो भी कोई अपने एक उसमें काम नहीं करता, क्या बोलते हैं, इट इज नॉट 100% सिस्टम कि आप जिसके ऊपर बैठ जाओ सिर्फ उसी में ट्रेड लेना है। तो यू नो वी नीड हेल्पिंग हैंड फ्रॉम ऑल अदर प्राइस एक्शन, ऑल अदर थिंग्स। तो मेरा ये अपना इंडिकेटर है ब्रह्मास्त्र। तो इसमें हुआ क्या था जी, देखिए जब यहाँ तक का दिन आ गया था, यहाँ पे मैंने वो लिया था 1350 पे, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया हुआ था, मैंने ये एक वो डाल दिया था कि ये मुझे लग रहा है कि ये चैनल के अंदर चल रहा है, यहाँ जा रहा है फिर यहाँ आ रहा है फिर यहाँ जा रहा है फिर यहाँ। तो मुझे पता था कि ये चैनल के चाहे ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े मेरे को एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, ओके जी? लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि ये जो है ना लाइन, इसको लाइन मत बोलिए, ये हमारे शेषनाग जी हैं, तो ये शेषनाग जी मुझे बहुत हेल्प करते हैं ट्रेड लेने में। तो यहाँ पे इस कैंडल में क्या हुआ, ये एक चोर कैंडल है। यहाँ पे अभी आपको चोर नहीं दिखेगा क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो मैंने वो चोर वाला डिसेबल किया हुआ है अभी। तो ये एक चोर कैंडल है, और चोर कैंडल कहाँ बनी है, रेफरेंस पे बनी है। रेफरेंस क्या है यहाँ पे, ये रेफरेंस है शेषनाग जी। तो अभी देखिए मैंने क्या बोला कि कभी भी ये, हालांकि अगर आप इसको हैमर की बात करोगे, मैं हैमर के बेस पे ये ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हैमर काम करेगा आपका या तो बॉटम में काम करेगा या आपका टॉप में काम करेगा, ठीक है जी? तो उसके बेस पे मैंने ये काम नहीं, मैंने ये वाला ट्रेड नहीं लिया। बट क्योंकि देखिए ये गया, इसने ऊपर, यहाँ पे इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी शेषनाग जी से। अगर थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूं तो इसने क्या क्या किया, अभी ये हमारे बॉक्स के अंदर ही है और शेषनाग जी के ऊपर गया और वहां से इसको एक रिजेक्शन मिला। जब इसको एक रिजेक्शन मिल गया तो मैंने देखा कि इस वक्त मेरा डेल्टा क्या है, और अगर उस वक्त का मैं डेल्टा आपको बताऊं तो क्या था, कैंडल रेड थी, डेल्टा पॉजिटिव था। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे इस कैंडल से, हालांकि इसी कैंडल से बायस बहुत ज्यादा जोर लगा रहे थे कि हम भाव को ऊपर लेके जाए। तो मुझे पता है कि मेरे शेषनाग जी पे कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो यहाँ पे उन्होंने जोर लगाया 8 के, फिर यहाँ पे जोर लगाया 25 के, फिर यहाँ पे भी जोर लगाया 16 के। इज अगेन नॉट अ स्मॉल यू नो अमाउंट, मतलब बहुत तो बड़ा डेल्टा नहीं, नहीं बहुत छोटा छोटा भी डेल्टा नहीं। तो ये बन गई चोर कैंडल। तो इसका मतलब मुझे साफ समझ में आ रहा है कि ये जो रिजेक्शन है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है शेषनाग जी से।
ठीक है, ये शेषनाग जी का रिजेक्शन यहाँ पे है और ये बनी है चोर कैंडल। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें दिख रहा है जिस तरीके का ट्रेड वैसा नहीं है, तो मैंने इसके नीचे एक शॉट लिया था। ठीक है, शॉट लेने के बाद अभी क्या है कि हमने शॉट तो ले लिया, लेकिन एसएल तो मेरा यहाँ पे, इनिशियल एसएल मेरा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, लेकिन ये नीचे आया, लेकिन एक कभी भी ना एक बार कोशिश की है तो कम से कम दूसरी बार कोशिश बनती थी उसकी यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे कोशिश की, फिर वो नीचे आया, फिर इस कैंडल में वापस से जोर लगाया 16K का, लेकिन मेरा जो एसएल था वहां तक तो आसपास भी नहीं गया उसके। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ था, अगर उस बॉक्स के नीचे गया तो इस रिजेक्शन की वजह से वो एक बहुत अच्छा डाउन में जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां तक भी वेट किया, यहां तक भी वेट किया, जब यहां पे एक बार वो चला गया इसके नीचे, तो मैं आश्वस्त हो गया कि भाई अब तो ये तो अब तो इसको जाना ही जाना है ना जी। तो ये क्या था, ये ऑर्डर फ्लो प्लस ब्रह्मास्त्र दोनों को मिलाया जाए तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद तो एक बार जब ये इस वाली रेंज से निकल गया, जो मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाई थी, जब इस वाली रेंज से यहाँ पे एक बार निकल गया, तो मैं समझ गया कि भैया अब तो मेरे को एक अच्छा मूव यहाँ से मिलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं जी, हम हमेशा अपने प्रॉफिट्स को करते हैं या फिर उसको ट्रेल करते हैं। तो ट्रेल मैं इसको किस तरीके से कर रहा था कि जब ये वाला पोर्शन आया यहाँ पे 350 के आसपास, मैंने कहीं पे तो एक बोला था कि मैंने यहाँ पे हाफ बुक किया है, 50% बुक किया है, ये 15,200, 46,200 के आसपास 50% बुक किया था, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा डेल्टा था। लेकिन जो मैंने टीएसएल अपना जो शिफ्ट किया, वो टीएसएल यहाँ से हटा के यहाँ पे शिफ्ट किया। ये कौन सा लेवल है वो भी आपको दिख रहा है, ये मैंने अभी अभी आपको लगवाया है, आपके चार्ट में लगवाया है ना। तो ये वो वाला लेवल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाला जब एक बार ये आ जाता है ना, मैंने यहाँ पे शायद पूरा बुक किया, हाँ पता नहीं, बट मैं क्या करता हूँ कि मैं वॉल्यूम पीओसी जो रहता है कि इस नोड पे अगर बहुत ज्यादा आपका वॉल्यूम है, तो यहाँ पे कुछ लोग नहीं चाहते कि इसके नीचे आए, तो ऐसी कम संभावना होती है कि इसके ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप अपना टीएसएल लेके आ गए, और यहाँ पे कहीं पे मैंने शायद फुल बुक कर लिया था, क्योंकि मैं फिर इतना ज्यादा नहीं, मैंने किया था 53 253 के आसपास, क्योंकि 253 के बाद मैं यूजली ट्रेडिंग नहीं करता। तो यहाँ के आस इस ग्रीन कैंडल के आने के बाद शायद मैंने कहीं पे बुक कर लिया था। तो मैं क्या कर रहा था, मैं पहले यहाँ पे टीएसएल रखा हुआ था, मैंने कि ठीक है ये है मेरा, यहाँ से मेरी सेलिंग चालू हुई थी, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे आके मैंने पूरा ही बुक कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरीका था किस तरीके से आप ऑर्डर फ्लो प्लस ब्रह्मास्त्र को यूज करके ट्रेडिंग करते हो। ठीक है जी, तो वीडियो शायद आज का लंबा ही हो गया होगा, बट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आप तो कर भी दिया होगा तो किसको पता चलेगा। ठीक है जी, तो अगले भाग में, नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और आपके ट्रेडिंग के तरीके लेके आऊंगा इसके ऊपर। तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही, आज के लिए क्लोज करेंगे। धन्यवाद, बम बम बोले, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।